विकासखंड बंगरा अंतर्गत पचोरो पंचायत में कंपोजिट विद्यालय के प्राध्यापक पर ग्राम प्रधान सहित गांव के लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि यहां के शैक्षणिक सत्र में फर्जी छात्रांकन किया गया है। साथ ही प्रवेशकों पर खाली स्थान छोड़ना, एसआर रजिस्टर में जन्म तिथि प्रवेश तिथि में गड़बड़ी, अभिभावकों से अवैध रूप से पैसा वसूली सहित कई गंभीर आरोप प्रधानाध्यापक पर लगाए हैं। एवं उन्होंने बताया कि 4 वर्षों से विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष विद्यालय के रसोइयों को बनाया गया है, जो शासन के नियम विरुद्ध है। तथा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विद्यालय में बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज सहित शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, और जब इसका विरोध अभिभावक करते हैं तो आए दिन उनसे स्टाफ लड़ाई झगड़ा कर लेता है। उन्होंने मध्याह्न भोजन में भी अनियमितताओं का आरोप लगाया है। साथ ही इस तरह के कई गंभीर आरोपों के साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र लिखते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्रामवासियों ने नियम अनुसार प्रशासनिक कार्यवाही की मांग की है। मऊरानीपुर से भूपेंद्र सिंह परिहार की रिपोर्ट। क्या नाम है सर का जिसने पैसे लिए? कौन है यहाँ के? वो प्रिंसिपल है। और किसी से टीचर से कहा क्या? बोले सब लोग बोले बड़े सर से बात करो। क्या कह रहे थे? आपकी सरकार है और हमसे कह रहे थे आपकी दद्दा की सरकार है। अच्छा, नबूदा में फॉर्म डालने के लिए बोला है तो बदतमीजी से बात कर रहे थे, आपके साथ में अभद्रता कर रहे थे वो। क्या नाम है आपका? जय भगवान। किस गांव से हो? पचोरा। यहाँ पर स्कूल में बच्चे हैं, ये बच्चों के आप पिताजी हो उनके? पिताजी। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ पर? दो पढ़ते। आरोप लग रहा है कि टीचर ने यहाँ पर प्रिंसिपल ने पैसे लिए हैं। ऐसा नहीं कि 800 रुपये लाए थे, 2-3 बार हम चक्कर लगाए बच्चन का पहुँचा, हमने अरबी सही नहीं कर रहे थे, वो नाव ही नहीं देख रहे थे। अच्छा, और ना बच्चा हमारे दो मोड़ी पड़ती है, दो मोड़ा वो तो पूरे मोड़ी ना वजीफा हो एक हमारी बच्चा। आपने कहा नहीं है कि वो बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो? भी हमने वहाँ साफ साफ कहते आज ना वजीफा भी आओ एक बच्चा। क्या नाम है? गोविंद सिंह। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ? हमारे 2 बच्चे, एक बच्चा पढ़ रहा है, एक नए एडमिशन नहीं किया है, वो घर पे भी बैठा है। क्यों नहीं किया एडमिशन? बोले वो भी एडमिशन नहीं होगा, पैसा लगेंगे, हमने भी पैसा हमारे पास है नहीं, हम पैसा नहीं देंगे। इसकी आपने कहीं शिकायत की? सबसे पूछी, बोले पैसा लगते ही नहीं है। सो मैंने कहा भाई चाहे नहीं, सुनने एडमिशन नहीं किया, एक दिन पढ़े भी आओ दो बच्चा, सुनने जा कही थी, बोले आपका एडमिशन नहीं, आप इतने स्कूल नहीं आना आज से, उतना से वो घर बैठा है बच्चा। मतलब इसकी शिकायत भी नहीं की आपने? शिकायत में चिमटे हैं, काय भी गिलाना है, यही से आप लोगों ने बुलाओ है आज। जी मैम, क्या नाम है? आसमा बानो जी। तो यहाँ जो समस्या आ रही है, बच्चों की शिकायतें आ रही हैं, उनके पेरेंट्स शिकायत कर रहे हैं, क्या कहना है मैम उस पर आपको? पेरेंट्स सही शिकायत कर रहे हैं, कोई भी पेरेंट गलत नहीं बोल रहा, कोई भी पेरेंट झूठ नहीं बोल रहा जी। तो पैसे वाकई लिए गए? वाकई लिए गए हैं। और जो बच्चों ने मुझे बताया है, बच्चों से बदतमीजी जो की गई है? हाँ, बच्चों से भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। अगर बच्चों ने बोला कि हमारा नवोदय का फॉर्म डलने, तो उनसे कह रहे कि तुम्हारे बाप की सरकार है, तो ये कौन सा तरीका है जवाब देने का? आपने इस विषय पे क्या सर से बात की? करते हैं सर, सुनते नहीं है वो। आप लोगों की भी नहीं सुनते हैं? कितने टीचर लोग हैं इधर पे? 12 लोगों का स्टाफ। 12 लोगों का स्टाफ। क्या नाम है आपका? हरेंद्र कुमार कुशवाहा, ग्राम प्रधान पचोरो। प्रधान है आप इस गाँव के? वर्तमान प्रधान है। प्रधान जी, आपके देखरेख में नहीं चलता क्या स्कूल? देखरेख में चलता है, लेकिन सुनाई नहीं होती यहाँ। यहाँ पर आपके जो प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, काफ़ी लोग पीड़ित हैं, बच्चे भी, फैमिली भी उनके रो रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला? तो वो है, तब तो हमारे पास आए थे, तब हमने वायल किया, हमने खुद लेटर पेट पर लिख के दिया कि ये समस्या का समाधान किया जाए, जब सुनवाई नहीं हो रही है तो आप लोगों को हमने सूचित किया, आप लोग आए यहाँ पे मेरी सुनवाई करें, तब ये सब। तो इसकी जानकारी नहीं हुई है? नहीं, अभी हुई है, अब लेटर आया, अब जांच होगी इस पे, ये भी ऐसे बंगरा के मना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? वो मना कर रहे हैं कि वो डीएम का लेटर आया, डीएम के बाद मऊरानीपुर ये भी इसी आएगा, तो हमने एसडीएम को भी फोन किया, आते हैं नहीं आते हैं वो भी आएंगे। अभी तक नहीं आए? अभी नहीं आए। एसडीएम साहब के कान में पहुँच गई है? अभी सूचना हमने दी है उनको, फिर भी अभी उन्होंने क्या कहा? नहीं बोल रहे थे आएंगे, अभी भेजते अभी ऐसे को भेज रहे हैं मऊरानीपुर से। ठीक। क्या नाम है आपका? कल्लू। कल स्कूल से कंप्लेंट आ रही है, क्या कंप्लेंट है स्कूल वालों की? स्कूल वालों ने प्रिंसिपल साहब ने पैसा लाए बच्चन के। कितने कितने पैसे लिए हैं? 500 रुपए प्रति। किस चीज के पैसे लिए हैं? एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए? और आपके बच्चों के साथ में अभद्रता भी की जा रही है, तो आपने कहीं कंप्लेंट नहीं की इसकी?
मैं साहब इतने आके जानकारी करी मास्टरों से। आपने प्रिंसिपल से बोला कि किस चीज़ के पैसे लग रहे, लगते हैं क्या ये निशुल्क है? ये हमने बोला से भी कितने पैसे लगते हैं। पैसे लगते हैं, दिया आप लोगों ने? दिया 1000 रुपया दिए दो बच्चों के। दो बच्चों के 1000 रुपये दिए। और नाम है आपका? मेरा नाम है हरमान दास। क्या समस्या है आपको? समस्या थी साहब कि हमारी बच्ची हो रही थी आंगनबाड़ी में, तो हमने इनको जो है टीसी के लिए बोला था, टीसी मार्कशीट के लिए, तो टीसी मार्कशीट रजिस्टर में रखी हुई और हमको तहसील भेजा, तहसील से हमने FAQ बनवाया। फिर साहब भंगरा भागे, भंगरा में स्कूल है कौन से, वहाँ से भी बनवा के लाए, तो बड़ी मुश्किल में यहाँ पर टीसी दी। जब हमारे साथ से आंसू बहने लगे, रोने लगे, हम तो बड़ी मुश्किल में टीसी। मतलब आपकी उनने बिल्कुल से सुनी नहीं है? बिल्कुल नहीं सुनी था, वो हमारे बच्चे आंसू भरे रोने लगे, तब बड़ी मुश्किल में टीसी दी, क्योंकि हमारे बच्चे क्या आंगनबाड़ी में हो रही थी। मतलब आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए चैलेंज न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।